तो हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट क्लैश ऑफ क्लेन्स। सो इस गेम में हमारे साथ होंगे क्लैश ऑफ क्लेन्स के सारे कह लो कैरेक्टर्स, एंड उनके पास होगी वही ताकत। एंड राउंड वन मैं जल्दी से चार या पांच कैरेक्टर्स को स्पॉन कर देता हूँ दोनों टीम से, रेड एंड ब्लू। जैसा तुम लोग पता है ऑब्वियसली मेरी रेड टीम होने वाली है क्योंकि मेरी स्किन भी रेड है एंड मैंने स्पॉन कर लिया। वाओ कितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं। ये बहुत छोटा था बट रेड टीम का है, सो कोई बात नहीं। एंड फाइट स्टार्ट हो चुकी है। ये लोग तो आपस में गुत्थम गुत्था हुए पड़े। कितने? एक दो तीन चार, चार लोग एक साथ। और ये देखो, एंड क्योंकि मेरी रेड टीम है इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि रेड टीम ज़रूर जीतेगी क्योंकि शायद इसमें बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स भी हैं। एक तो मर गया, अब शायद वो ब्लू टीम का मरा है। हाँ ब्लू टीम का मरा है, रेड टीम वाले अभी तक हैं। दो रेड टीम वाले मिलके एक ब्लू टीम वाले को ठोक रहे थे, ठोक दिया और मर भी गया वो। एंड ये इसने इसको मत क्यों मारा? ये तो इसी टीम में था ना? अब पता नहीं। वाह ये तो स्लाइम के तरीके, एक मरते हैं दस निकलते हैं। एंड फाइनली रेड टीम जीत चुकी है। लड्डू डुब डबाओ, खुशियाँ मनाओ। एंड राउंड टू हम दोबारा से स्पॉन कर लेते हैं चार ब्लू प्लेयर्स एंड पांच रेड प्लेयर्स, क्योंकि रेड जीती है इसलिए उनको मिलेगा एक बेनिफिट और पुराना वाला तो रहेगा ही रहेगा। अब मुझे लग रहा है इस बार तो बिल्कुल नहीं जीतने वाली ब्लू टीम, बट मैं जल्दी से ब्लू टीम के योद्धाओं को फील्ड में ले आऊँ। नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जीत सकती है क्योंकि एक को लेके आया दस आगे पर कहाँ से, कैसे लोग हैं बेचारे पीछे पड़ गए इस जाइंट के पीछे। इसे मैं रेड जाइंट बोलूँगा। ये सुअर कैसे उठ रहा है? गिर भी गया। ये शलकर वाला इफेक्ट कौन दे रहा है? उड़ा उड़ा के गिरा रहे हैं। और ये तोप और ये किसके किसके खेमे में है? शायद रेड। बस काफ़ी टीम ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तो आग लगी हुई है, ये क्या है? वाओ इसकी हाइट देखो और इसकी हाइट देखो, मतलब इतना छोटा बंदा उतने मोटे बंदे को उड़ा रहा है। बॉस से इनको लड़ने दो, हम यहाँ आके देखते क्या होगा। एंड ये शायद ब्लू टीम वाले हैं, थोड़ा थोड़ी कर रहे हैं। एंड फाइनली वो बो जा चुकी है। ये ब्लू टीम वाले ने एक बो खराब कर दी हमारी। कोई बात नहीं, हम रेड टीम वाले हैं, शायद इस बार हम हारने वाले क्योंकि ये तो उड़ाए पड़ा उसको। अरे नीचे छोड़े भाई, चलो कोई बात नहीं, एक हार हमें स्वीकार है, तभी तो अगले मजा आएगा। अब बंद कर दे भाई। इधर क्या हुआ? इधर कोई नहीं बचा है, बस इधर ये दोनों बचे हैं। 1v1 ये क्या हुआ? एंड ये वाला मैच 50-50 है क्योंकि उधर दो बचे हैं और इधर एक बचा लेकिन बहुत मोटा है। सो राउंड थ्री स्टार्ट करते हैं यहीं से। मैंने रेड प्लेयर्स और ब्लू प्लेयर्स दोनों के चार चार लिए हैं क्योंकि दोनों अब बराबरी पे आ चुके हैं, तो मैंने स्पॉन कर दिए रेड एंड ब्लू प्लेयर्स। एंड फाइट स्टार्ट हो चुकी है। वाओ अच्छा, ये रोबोट लाइटनिंग गिराता है। एंड रेड प्लेयर का एक भी बाकी था, टेक्नो ब्लेड। लाइटनिंग रहेगा, बस कर हीरो ब्राइन ना बनो। ये देखो ये थोड़ा लेके पीछे पड़ा है, थोर है क्या? यहाँ कौन जीतने वाला है? मुझे लग रहा है ये रोबोट, ये रिश्ता है मेरा टेक्नो ब्लेड जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। रोबोट मर गया एंड टेक्नो ब्लेड विन। और ये ब्लू टीम का है क्या? कपड़े कैसे पहने? शायद
नहीं, ब्लू टीम का नहीं है, ये रेड टीम का है। एंड राउंड फोर, मेरी रेड टीम एक राउंड से आगे चल रही है, लेकिन ब्लू टीम भी पीछे नहीं। अगर ये टीम, ये वाला मैच ब्लू टीम जीत जाती है तो वो मैच जीत जाएगी। तो मैं जल्दी से स्पॉन कर देता हूँ दोनों के इक्वल प्लेयर्स, यानी चार चार। वाओ, ये मुझे पुराना वाला जैसा लग रहा है, लेकिन वो नहीं है, दूसरा है। तो मैंने सबके प्लेयर्स को स्पॉन कर दिया है। एंड लेट्स स्टार्ट। एंड फाइनल फाइट शुरू हो चुकी है। दोनों में से कोई भी टीम जीत सकता है, बट मैं तो हूँ लाल के साथ, तुम्हें मालूम है। वाओ, कितनी सारी हड्डियाँ आ गई यहाँ। तो ब्लू टीम की आखिर, ब्लू टीम की सूखी हड्डी। और देखो मेरे दो जेंट प्लेयर्स हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। ये कौन है छोटा सा, कितना दुख दर्द दी है। वो तो अलग ही चिल मार रहा है, वो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, बड़ा वाला। ये देखो ये दोनों अलग बैठे हैं, कोई मतलब नहीं इनको। इनको मालूम है हम जीतने वाले हैं, अब मुझे मालूम है। और कोई प्लेयर बचा भी नहीं है, सेम चीज़ के कुछ हड्डियाँ बची हैं इनके लिए, तो ये अकेला काफ़ी है। और मुझे एक डाउट है, हाँ ये रेड टीम का ही है। मुझे डाउट हो रहा था कि शायद ब्लू टीम का हो, लेकिन नहीं, रेड टीम का है। सो रेड विन, यानी विक्ट्री हो चुकी है हमारी।